ਰਾਜਾ ਵਸੀਮ ਕੋਲੋ ਲੰਘਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਮਾਇਆ ਚਾਰ ਡੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਸਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਹਮੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੇਪ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਨ ਨਵੀਦ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪ ਮੈਚ ਹੈ ਖੂਨ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕੇਪੀਐਲ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਫ੍ਰਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਨ ਕਾ ਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੁਲਿਆ ਉਮੀਦ ਮੇਂ ਔਰ ਅੰਪਾਇਰੀ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਰਾਨ ਰਾਓ ਭਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਪਾਇਰੀ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆ ਬਾਈ ਵਿਕਟ ਵਿਕਟ ਸੂਏ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਰਜਾਈ ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਛੋੜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਐਸੀਸੀ ਹੁਣ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਮਦੇ ਆ ਲੈਵਨ ਹਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ ਫਸਟ ਬਾਲ ਫਸਟ ਓਵਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਫਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੌਸੀਫ ਗੋਲੀ ਤੈਮੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਮਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸ
जी ठीक है क्या सर जी अच्छी बात आज नहीं आई भाईजान उनकी जगह आ जाए हैं शकील शाह तहरी इस्लामाबाद का इससे अगला मैच होगा भाई शकील शाह का मैच कुछ देर के बाद तैमूर मिर्जा की मैच हो रहे हैं तहरी के मैच हो रहे हैं तैमूर आज नहीं है भाई बैक टू बैक सिक्सेस बादशाह खान स्कोर क्या पहुंचा 1-9 पहला ओवर काफी महंगा ओवर साबित हुआ उनकी टीम को और अभी पहला ओवर का खेल जारी अगर ये मैच विन करती है बादशाह खान की टीम तो फिर मैच होगा तहरी इस्लामाबाद का बादशाह खान की टीम के साथ आखिरी बॉल क्या कोई गल नहीं दो ओवर सेव करता बच्चे शबा आखिरी बॉल क्या यानी अगली बॉल क्या शबा हेलो जल्दी करो सर वालेकुम सलाम पहले ओवर का खेल इस मैच का पहुंचा 19 और के अगला बादशाह खान चार विकेट बाद एक शॉट लाइव चेक कर के लाइव चेक कर 19 रन लगाकर जाते जाते अपनी बॉल पर आउट हो गए पवेलियन वापस पहला नुकसान मिली सफलता उनकी पहला नुकसान रन देकर बादशाह खान की सूरत में उठाना पड़ा बादशाह खान आउट होकर पवेलियन वापस पहले ओवर का खेल इख्तिताम पर स्कोर क्या पहुंचा 19 नए आने वाले बल्लेबाज 19 रन हो चुके हैं एक ओवर के इख्तिताम पे अंपायर जरा जल्दी करें सर एक ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है 19 जी सरोबर ने क्वालिफाई किया हुआ है वसीम खान भाई तहरी के साथ ओपन आए आज कमाल खान दूसरा ओवर करने के लिए आया इरफान ब्रेकर रिजवान शाह का मैच उमर फारूक भाई कुछ देर के बाद होगा और यहाँ पे बोल्ड कर दिया इरफान गुगली ने उमर लाहौर को 3-3 ओवर है भाईजान 5 बालों के 3 ओवर रिजवान शाह का मैच है इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 घंटे बाद होगा पहली बॉल की डॉट दूसरी बॉल पे पहुंचा दिया बा स्कोर का दस्तूर शाबाश नारायण जी अल्लाह करम है भाईजान तहरी के साथ ओपन आज है कमाल खान नए आने वाले बल्लेबाज अदनान टर्नी लेकर बल्लेबाज आमिर नवाज भाई रन है 19 शॉट पिच बॉल और दूसरी बॉल बिना किसी को कमाल चौधरी तैमूर अख्तर भाई अगर ये मैच हून की टीम में विन कर दिया तो फिर हून एंड सरोबा ने कर लिया क्वालिफाई नेक्स्ट मैच आज के दिन का पहला नॉकआउट मैच होगा हून वर्सेस लगातार चार कर दिया पैर मार जीता है तीसरा नुकसान अदनान दानी आउट होकर पवेलियन और की चार बाले चार नमान नवी भाई आपके सामने दो बंदे आउट होकर पवेलियन वापस पहले ओवर में स्कोर था 19 दूसरे ओवर की बाले आ गए चार अभी भी स्कोर है 19 नए आने वाले बल्लेबाज लोकल बल्लेबाज काशी रामदेव बॉलिंग एंड में मौजूद अभी नाम पता चला इरफान गुगली शॉट पर बॉल
मैडन ओवर किया जी, मैडन ओवर किया। आपस में डिस्कस कर लो जी। रिजवान शाह के साथ ओपन है फारूक टेक्सला। जल्दी करें जी। ठीक है जी, ठीक है, चले जी। जल फील पर तीन दिया जी टाइम से। डेड लेग बाय यू। क्या है बड़ी? तैमूर मिर्जा नहीं आए भाई जान, तैमूर मिर्जा नहीं आए। अब आए जी आखिरी ओवर करने के लिए इसरार शाह। कल एक मैडन ओवर किया था चौधरी सफदर ने और आज मैडन ओवर किया इरफान गुगली ने। इरफान गुगली का बहुत ही जबरदस्त ओवर। और की पहली बार इसरार शॉट को ऑन फखरी राम दे शॉट विद बॉल ग्रैंड शॉट के लाफिल दरवाजे एक मुकम्मल एक ही बेदफा किया आगाज किया है के साथ एक के साथ चार पांच चार ट्वेंटी पहले ओवर में रन आए थे पहली चार या पांच बॉलों पे 19 उसके बाद वेलकम लिया क्रिकेट मुकम्मल तौर पर तंग। तीसरे ओवर की पहली बॉल पे रन आया एक। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। और की दूसरी बार शॉट पर बॉल आउट होने का खतरा भाई की सूरत में एक रन का इजाफा रन है एक जा पहुंचा 20 पर रन दे रन मुकाबला बॉल बचा मुश्किल का शिकार रन दे टीम के आल बल्लेबाज पहले ओवर में आगाज किया था बादशाह खान ने अच्छा तीन छक्के लगाए थे तौसीफ पहले को उसके बाद से मुकम्मल खिलाफ नजर आ नबील आबाद में रिजवान शाह का मैच है और तकरीबन है घंटा डेढ़ घंटे बाद होगा। लिया क्रिकेट एडमन एजाज सुमरो भाई वेलकम वेलकम। शकील शाह का मैच कुछ देर के बाद है भाई। शकील शाह के साथ दूसरा ओपन है इनाम काला मुश्किल का शिकार अकबर कमाली का मैच तकरीबन कुछ देर के बाद है भाई। असलान अच्छी बट आज नहीं आए भाई उनकी जगह है शकील शाह। पंद्रह बालों पे 26 रन का टारगेट है, 15 बालों पे 26 रन का टारगेट है। वालेकुम सलाम नवी भाई। इस मैच के बाद तकरीबन दूसरा पूल स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मैच विन किया हून ने तो इस मैच के बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। अगर हून की मैच ये मैच लूज कर गई तो फिर एक मैच के बाद होगा। दोनों टीमों से गुजारिश है जल्द से जल्द कामी न्याजी का मैच हो गया, वो उनकी टीम टूर्नामेंट से आउट हो गया। कमालू का मैच कुछ देर के बाद है भाईजान। और इसके साथ ही मेरे ग्राउंड की जीनत बने अकील शाह मलिक आमिर धमरा मलिक उबैस इंतजामिया की तरफ से अपनी तरफ से ग्राउंड अमरदार पेश आती टीम जल्द से जल्द अपने बैट्समैन भेजो जी। होम टीम जल्द से जल्द बैट्समैन भेजो जी। क्यों नहीं जान सके आई।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? लिया क्रिकेट के एडमन ब्रदर शहजादे, कैसे हो? ठीक ठाक हो जनाब? मैं आपके साथ जनाब जुड़े हुए दाऊद बूश फ्रॉम गुजरात और यूसुफ को नाराज नजर ही नहीं। बिल्कुल जनाब, देखिए अभी क्या होता है। मिर्जा फैज जी वालेकुम अस्सलाम। शहजादे भाई मलिकपुर से ताल्लुक है जनाब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिर्जा फैज साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है जनाब, अल्लाह का करम फिट फाट। मैं भी ठीक जनाब। सुबह सिबतुल हसन जनाब वालेकुम अस्सलाम। मैं दाऊद बूश हूँ जनाब आपके साथ। अच्छी बट के जनाब ब्रदर की शादी है, मेरा भी तल्लुक गुजरात से है, अच्छी भाई का भी तल्लुक गुजरात से है, तो अच्छी भाई के छोटे भाई की शादी है जिसकी वजह से वो आज नहीं आए, उनकी जगह शकील शाह आए हैं जनाब। ठीक ठाक आमिर खलील भाई, क्या हाल है शहजादे भाई? ठीक ठाक है जनाब। हनीफ हनीफ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है जनाब। हनीफ खलील साहब भाई का मैच है भाई, अभी शुरू होने वाला है। उमरी पेसर सामना करेंगे जनाब यूसुफ पठान का, मलिक अरसलान जनाब वालेकुम अस्सलाम जी। तमाम दोस्त वीडियो शेयर कर दें जनाब, शुक्रिया जनाब, थैंक यू भैया ब्रदर भाई। ठीक ठाक अल्लाह करम जनाब। मिर्जा फैज साहब जी थैंक यू, शुक्रिया जी। पहला बॉल तेज बॉल, कोई समझ नहीं आया, कोई पल्ले नहीं पड़ा जरा, वाकई ठीक बोल रहे थे। राजा दीन शहजादे भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। जी राजा शराज भाई ठीक ठाक जनाब। फौजी भाई ठीक ठाक है जनाब, ठीक ठाक अल्लाह करम। आप सुनाए जनाब जल्दी कर सोचे। मलिक इसरार भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्रिया। हसनत अली हसनात अली थैंक यू भाई हसनात, उनके साथ साथ जनाब निकासद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। सलीम खान कैसे? ठीक ठाक है जी। मलिक उस्मान भाई ठीक ठाक है, सब है रियत है जी, तमाम शहजादे भाइयों की जी। और के अगली बार बोलेंगे यार के बेटे उमरी पेसर जी, ओए होए होए होए, कोई पल्ले नहीं पड़ा, कोई तेज बॉल जनाब, ये डाल वाला है, बहुत तेज बॉल, बहुत तेज बॉल, बल्ला नहीं आ रहा बॉल पे, और ये होगा डॉट बॉल जनाब। लगता है पहली दफा फेस कर रहे हैं जनाब यूसुफ पठान। ओके जी बड़ा मैच है जी। वालेकुम अस्सलाम जुबैर साहब, कैसे ठीक ठाक है शहजादे भाई जी? मलिक उमी बिल्कुल जनाब इसी तरह ही, मलिक अरसलान अहमद शहजादे भाई ठीक है जी, हसनाद शुक्रिया जी। अगर यहाँ पे अवैस शहीन साहब देख रहे हैं मैच को तो कमेंट कर दीजिएगा। ओए होए 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 होए, शॉट ऑफ लेंथ बॉल, ये बहुत तेज बॉल, बहुत तेज बॉल, बहुत तेज बॉल जनाब यहाँ पे अमरी पेसर ने किया है, लेकिन यहाँ पे अंपायर ने डिसीजन दे दिया है, वाइड बॉल है, बहुत तेज बॉलिंग करते हो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया जनाब। हाँ जी ठीक ठाक जनाब। हाफिज अदनान साहब आप ठीक ठाक है जनाब? हाफिज अदनान काजी साहब इस टाइम बिल्कुल मैच को एंजॉय करते हुए जी। वालेकुम अस्सलाम उस्मान अली शहजादे भाई आप ठीक ठाक है जनाब? उमरी पेसर सामना करते हुए जनाब यूसुफ पठान, और ये बॉल जनाब वाइड बॉल होगा जी, वाइड बॉल होगा, अच्छा डिसीजन अंपायर का जनाब, वाइड बॉल है जी, अंपायर इमरान राव मौजूद है जनाब, वाइड बॉल का डिसीजन आ चुका है जी। उस्मान अली साहब मैच को एंजॉय करते हुए जी आपको शामिल करते हैं। कमान से निकलाती और केपीएल में दिया गया अंपायर का फैसला एक ही बात है। हाँ जी बड़ा मैच बिल्कुल यहाँ पे चलते हुए जी, इंजीनियर मलिक रिजवान अब्बास साहब अंपायरी के सरफा देते हुए जनाब, लेग अंपायरी के उनके साथ जनाब मौजूद है जी हमारे प्यारे भाई राव भाई जी। उमरी साजिद बहुत साजिद भाई की हाल है साजिद उमरी यार वाइड में वाइड तीसरा वाइड जनाब बाकी पागल उमरी पी उमरी हमारा सरदार भाई है जनाब, 10 नंबर की शेड में मजबूत जनाब, यहाँ पर पहुंचे हैं लाहौर से, उनका साथ देंगे बादशाह जनाब। यार भाई 100 दफा कह चुके हैं रिजवान भाई भी और मैं भी, सनम भाई जनाब स्टेट टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है उनकी टीम। तल्लत अब्बास क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। वसीम राजा पॉपी साहब जनाब इस टाइम खुलिया हमीद के अंदर, खुलिया हमीद के बानी मैच को देखते हुए जनाब इस टाइम, और जनाब एक दफा यार कमेंट्स में कह दिए वसीम राजा वसीम जिंदाबाद, वसीम खुलिया हमीद जनाब इस टाइम मैच देखते हुए अपना अपना कमेंट्स नोट करवाइए जनाब, राजा वसीम जिंदाबाद है कोई नारा होना चाहिए, बहुत अच्छा जंगल में मंगल का यहाँ पे सभा सजा रखा है जनाब, राजा वसीम साहब ने खुलिया हमीद से ताल्लुक है,
और इस इवेंट के जनाब ऑर्गेनाइजर हैं वानी भी है जनाब, इस टाइम लाइव टेलीकास्ट करते हुए मैच को जनाब एंजॉय करते हुए जी। और मलिक उसामा साहब क्या है, कामरान शहजाद साहब जनाब ठीक है फिट है जी। जेंटल का मैच जनाब थोड़ी देर तक राजा दील जनाब दाऊद इसरार ओके जी, इसरार को सलाम पहुंचा जनाब आपका। राजा नदीम साहब उफ का इजहार करते हुए जनाब, और फीलिंग नॉट वेल का इजहार करते हुए जी। वसीम भाई दी ग्रेट जनाब, यहाँ पे राजा दील साहब भी कह रहे हैं जी जिंदाबाद राजा वसीम साहब जिंदाबाद। और ये नो बॉल राव का डिसीजन आ चुका है अंपायर इमरान राव का। आज उमरी पेसर एक्स्ट्रा बॉल करते हुए क्योंकि आज थोड़ा फॉर्म में भी है, लेकिन ये फॉर्म कुछ मैं समझता हूँ टीम होन के लिए अच्छी साबित होगी जरूर। राजा वसीम जिंदाबाद के नारे जनाब, यहाँ पे उमर जैसा भी बोलते हुए, आमिर शहजाद भी बोलते हुए जनाब, राजा वसीम जिंदाबाद कुलिया मीद वाले जनाब बिल्कुल। मलिक हुसैन साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है जी। एच सी आसिफ लॉन जी दिल दिल पाकिस्तान शुक्रिया जनाब, इसरार हमदानी को सलाम जी ओके जनाब आपका सलाम पहुंचा जी। चार रन हैं जी, हामिद भाई बोल रहे हुए थैंक यू जी। और फिर से एक दफा नो बॉल उमरी पेसर का जी, उमरी पेसर का फिर नो बॉल। ये है इमरान राव, क्योंकि असूलू पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अरे जिंदा है अंपायर तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बिल्कुल बहुत अच्छा जनाब। एचसीसी ग्रेट का यहाँ पे नारा आया है जी, है ही उमरी साजिद भाव वाकई उमरी आई। मलिक उसामा भाई जी शुक्रिया, उसके साथ साथ फाइनल कब है जी, फाइनल जनाब इंशाल्लाह 9 तारीख को जी। अरशद अली क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है जी। चौधरी अनीक साहब तैमूर का मैच, तैमूर का मैच जनाब, तैमूर की टीम यहाँ पे है लेकिन तैमूर भैया आज नहीं आए हैं जी। राज मिले 2-4-5-8 पहले ओवर का खेल जारी, पहली दो बॉल डॉट और उसके बाद स्कोर दो आगाज भाई। अच्छी बट नहीं आ रहा है, अच्छी बट की भाई की शादी है जनाब जी। राजा वसीम बहुत अच्छा इंसान जी, जुबैर अली यहाँ पे बोलते हुए जी। ओए होए होए रॉकेट आया है, बहुत तेज बॉल किया है यहाँ पे, डॉट बॉल आएगा जी भाई की सूरत में। राजा 9 रन आ चुके हैं जनाब, एच सी ग्रेड के नारे यहाँ पे हमारे प्यारे भाई आते हुए जी। नो स्कोर हो चुका है जी, इनाम और अच्छी इनाम आया हुआ है उनका साथ देंगे शकील शाह जी। राजा हामिद साहब एच सी विन करेंगे, राजा हामिद आप आए नहीं है जनाब, फोन से ताल्लुक है राजा हामिद का जी। मोहसिन दादा साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है जनाब। वसीम भाई हमारी जान बिल्कुल जनाब, राजा वसीम कौमी साड़ी जान जनाब बिल्कुल जी। एक दफा फिर से जनाब उमरी पेसर आए बॉल करेंगे, और ये वाइड बॉल फिर से आते हुए, ये काफी लंबा ओवर है जनाब, ये काफी लंबा ओवर आते हुए जी। 2 नो बॉल आ चुकी है, 5-6 वाइटें भी जनाब आ चुकी है यहाँ पे जी। शुक्रिया आमिर अब्बास भाई कमेंट्री को लाइक करने के लिए। कश्मीर बैटिंग पाकिस्तान, व्हाट इज दिस ओके, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जनाब। एच सी आसिफ लोन शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह जरूर जनाब। माओ भाई नदीम भाई, माओ भाई बोल रहे हैं क्या हाल है जनाब, नदीम साहब बोल रहे हैं माओ भाई को क्या हाल है, ठीक ठाक है जनाब। कैमरा सही करो जनाब, ये ले जी कैमरा बिल्कुल A1 शफाफ कैमरा, HD रिजल्ट जनाब आपके सामने। और ये अकलमंदी कर दिखाई है जनाब, ओवर समाप्त हुई, एक लंबा तवील ओवर जनाब हाथमा हुआ, बड़ी पेस बड़ा थोड़ा इंजर्ड भी हुआ जरूर उमरी पेसर आज, क्योंकि बड़े बुरे तरीके से गिरे, लेकिन है जरूर बहुत अच्छा ओवर जनाब यहाँ पे आते जी। मैच और राउंड का मुकाबला 5 बॉलों का ओवर है, हाँ जी बिल्कुल जनाब। राजा हामिद भाई ओके जी, राजा हामिद भाई बिजी थे जनाब, हुसैन शाह सिंगापुर से मैच एंजॉय करते हुए जी जनाब। राजा दील साहब जनाब शुक्रिया जी, शुक्रिया थैंक यू राजा दील साहब, बिल्कुल ये आपके सामने रिकॉर्ड आ चुका है जी। उमरी पेसर का तनवीर अहमद भाई यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बता दिया जी ओके जी। अमजद महबूब साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है जी। किस फैसल गुजर साहब, यार भाई मैं आपको आज यहाँ पे 365 व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे ग्राफिक्स वाले कुछ दोस्त हैं तो माशाल्लाह से उन्होंने मुझे 5 जबानों वाला बना दिया हुआ है,
तो खैर आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जरूर मैं खैर अल्लाह का शुक्र है। पहला बॉल स्लोर वन जनाब, ये चार रन आएंगे जरूर यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत ही बढ़िया जनाब। कमल कमालो का मैच है जनाब, बिल्कुल है कमल कमालो का जी। फेस का फायदा क्या, बिल्कुल लाइन नहीं है। जुनेद भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है जनाब। मलिक हुसैन भाई ठीक ठाक, आप सुनाए मलिक साहब। फैसल गुजर जी, सरदार वसीम साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है जनाब, आप सुना दे भाई जी। हैदर भाई और इस दफा खेला है अंपायर की टांगों पे लगा है बॉल, जरूर एक रन का मजीद दफा जनाब। जी नदीम हुसैन 03, अच्छा माओ भाई का नंबर, माओ भाई का नंबर जनाब आ जाता है राजा हामिद जनाब, शुक्रिया जी। और ये यूसुफ पठान का लगा टल्ला है चार रन के लिए जनाब, क्या बल्ला, चार रन आ चुके हैं जी। अगला मैच जेठलबा मुकाबला गीला करा, गीला टीम से गुजारिश है अपने बल्लेबाज रेडी रखें जी। कैसे हो जी जेबी टोटो, ओ सलादा भाई जेबी भाई यहाँ पर मौजूद है जनाब। जेबी भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है जी। राजा हामिद भाई क्या हाल है, ठीक है सलादा भाई, बिल्कुल यहाँ पे राजा हामिद हमारे प्यारे भाई होन से तल्लुक है जनाब। ये कौन सी जगह है जनाब, कुली हामिद है जी। कमालू का मैच थोड़ी देर तक है जी, कमालू का मैच थोड़ी तक होगा जनाब, कमालू का मैच थोड़ी देर तक है जनाब। हाँ जी मैं आपके साथ जनाब मैच पर तबसरे के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ, दाऊद पूछ फ्रॉम गुजरात जी। दाऊद भाई शाह ओके जनाब, आपका सलाम पहुंचा पहुंचता है जी, इसरार को सलाम पहुंचा है। जेंटल का मैच जनाब थोड़ी देर तक होगा, अगला मैच जेंटल का मेरे ख्याल के मुताबिक। यार ये तमाम भाई बिल्कुल वीडियो शेयर कर दें तब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, ऐसे नहीं, इजाजत नहीं है मैनेजमेंट की भाई। मैनेजमेंट बोल रही है जनाब वीडियो शेयर करें वीडियो शेयर करें तब आपका नाम लिया जाएगा, अब किसी का कोई कमेंट्स नहीं पड़ेगा, पढ़ा जाएगा जनाब। कमेंट्स उसको ही पढ़ा जाएगा जो हमारा शहजादा भाई हमारा प्यारा भाई वीडियो शेयर करेगा जनाब। हाँ जी राजा आमिर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक जनाब। स्कोर एक मिनट आपको बताते हैं जी। स्कोर कितना हो गया भाई, 21 रन हो चुके हैं जी, 21 रन। मलिक दाऊद फ्रॉम गीला कलां क्या हाल है, बोल रहे हैं जनाब गीला कलां का मैच कब है जनाब, गीला कलां का बताते हैं जनाब। लैया का मैच है, लैया की टीम इधर से किधर से आ गई जनाब। और इसके साथ ही हमारे ग्राउंड की जीनत बने चंदनी टीम के स्पॉन्सर काजी मेराज साहब, अपनी तरफ से इंतजामिया की तरफ से ग्राउंड आमद पर खुश आमदीद जी। अंपायर हजरात जल्दी करें, स्कोर चाहिए 5, बॉल भी है 5, और की पहली बार 5 रन चाहिए जी, 5 बॉलों पे 5 रन चाहिए जी। और ये बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पे पिक किया है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया जनाब। आमीन जी। हेलो भाई कैसे हो नासिर भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है जी। फरहाद अली कैसे है, ठीक ठाक है जनाब। जेबी खान ही जेबी टोटो जनाब हमारे साथ कुछ देर जुड़े हुए थे जी। जनाब 4 बॉलों पे 5 चाहिए, चार बालू में 5 है जनाब। शाह जी आपको सलाम है राजा दील का जी, जी वालेकुम सलाम, उन्होंने बोल दिया जी। हाँ जी ये किसने शेयर किया जनाब, चौधरी अजमल जमील साहब, शुक्रिया जनाब चौधरी जमील जी। सेलिब्रेट स्नैपचैट फिल्टर ओके जी। एम रिजवान साहब यहाँ पे गुजरात टीम है का क्या बना, यार गुजरात टीम सुबहान अली यहाँ पे है ही नहीं थी मेरे शहजादे भाई, मोहम्मद की सेटिंग ओके जी ओके माजिद भाई
माओ भाई माओ यार, वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो जनाब। एक भाई ने यहाँ पे 6 ग्रुप में शेयर किए, होन की टीम ने मैच विन कर लिया जी, लख लख मुबारक जी। अब दो टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है इस पूल में से जी, सरोबा एंड एचसीसी होन। सरोबा और एचसीसी होन का नॉकआउट मैच होगा कुछ देर के बाद दोस्तों। अब नॉकआउट नॉकआउट ए सरोबा तो ए आ गए होगे, उन्होंने दो पॉइंट माइनस आज के दिन का नॉकआउट मैच, पहला मैच हाँ जेठा ललैमन बा मुकाबला कीला। हम फिर लाइव आते हैं कुछ देर के बाद, देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मैच जेठल वर्सेस कीला का नॉकआउट मैच, आज के दिन का नॉकआउट मैच।